फिर हम क्या क्या करेंगे, अवार्ड अवार्ड एंड गेम्स से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर पे हमने बात की थी, ठीक है। तो चलिए हम उसी पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर हम दून की बात करें तो स्टूडेंट दून के अंदर क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं दो पार्ट्स में, एक जीके में एक और हिस्सा होता है, सीए का होता है, और एक अवार्ड्स वाला जो है वहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, रिसेंटली हो रहे हैं 28 तारीख से, ठीक है, आज से स्टार्ट जो हो रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड अफेयर्स में कॉमनवेल्थ गेम जैसे हो गया, कहाँ हो रहा है, बर्मिंगम में हो रहा है। बर्मिंगम कहाँ पे है, इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में, ठीक है। तो ये आपको याद रखें, कॉमनवेल्थ गेम 2020 कहाँ हो रहा है, ये हो गया एक जैसे क्वेश्चन आपका। यहाँ पे गेम से रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड गेम से रिलेटेड और देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे या तो फीफा वर्ल्ड कप हो गया, या फिर आपका ओलंपिक हो गया, ठीक है, ओलंपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया कि जो लेटेस्ट ओलंपिक है वो किसने होस्ट किया था, यू नो 2020 जो है वो कहाँ होस्ट हुआ था, जापान ने होस्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे 2024, तो 2024 जो है वो कहाँ होस्ट हुआ था होगा, वो होगा आपका फ्रांस में, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, आपको पता है ना इस साल फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, दोहा में, ठीक है। तो यहाँ जो आपका दोहा सॉरी दोहा जो दोहा है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। क्लियर है मेरी चीज कि क्वेश्चंस को कैसे कवर करना है, ये चीज क्लियर है आपके मन में। यहाँ अगर किसी का सवाल हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए, जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पे 2020 में जापान में हुआ, 2024 में सीए का फुल फॉर्म है, करंट अफेयर होता है, मैं चार्टर अकाउंटेंट का नहीं करा रहा हूँ, कहीं कोई परेशान हो जाए सर चार्टर अकाउंट ये तो सबको पता है यार। तो यहाँ जैसे गेम्स वाला हो गया है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपका। इसके अलावा जैसे आप अगर लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, आप फ्रेंच में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ओपन कब होता है, फ्रेंच ओपन का इस साल का विनर कौन है, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको एंट्रेंस से पहले पता होना चाहिए, स्पेशली लैंग्वेज की बात करूँ। लेकिन यहाँ जो ये फीफा वर्ल्ड कप हो गया आपका, ओलंपिक हो गया, ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपके जनरल टेस्ट में, फिर वो चाहे बीए के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया, किसी जहाँ पे जनरल टेस्ट है वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। सो दून के अंदर बहुत ही एक चीज अच्छी है दून की, जो क्वेश्चन को बहुत ही कॉमन रखता है वो। उसके अलावा आप देखें दूसरा जो सवाल आता है आपके मन में, जैसे चाहे हम गीतांजलि श्री की बात करें, जिनको जो रेत की समाधि के लिए प्राइज मिला, माना हुआ प्राइज होता है लिटरेचर के फील्ड का, ऐसे जो प्राइज होते हैं इनमें जरूरी नहीं कि आपसे ये पूछे कि लिटरेचर जो है वो किससे, वो जो अवार्ड गीतांजलि जी को मिला, जरूरी नहीं कि केवल वही क्वेश्चन पूछे आपसे, हो सकता है कि ये पूछ ले कि बुकर प्राइज किससे कनेक्टेड होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपको जो अवार्ड मिलते हैं चाहे वो फिर भारत रत्न हो, ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, भारत रत्न जो है उससे रिलेटेड कोई नाम पूछ लिया कि इनमें से किसको भारत रत्न मिला हुआ है, तो मोस्टली बहुत पॉपुलर नाम पूछता है, ऐसा नहीं कि किसी का भी नाम पूछ लेगा, या फिर आपका नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आप नोबेल प्राइज से ज्यादा पूछता है वो, नोबेल प्राइज में जैसे आपका क्वेश्चन आ गया रिसेंटली अगर इंडिया में किसी को मिला, 2019 में मिला था, ठीक है, बनर्जी साहब को जो मिला था आपका इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। या फिर गवर्नमेंट की वाइज बात करें तो अगर रिसेंटली आपके देश के प्रधानमंत्री को कोई वर्ल्ड वाइड बहुत लाइक किसी कंट्री के द्वारा रेस्पेक्टेड अवार्ड अगर दिया गया है, तो वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जब इन चीजों को पढ़ते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं इन क्वेश्चंस का एग्जाम वर्ड के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपका, अवार्ड से रिलेटेड आपने देखे होंगे, सीयूटी के रिलेटेड क्वेश्चंस से रिलेटेड टॉपिक्स मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो लिंक भी मैं एक बार शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। इसके साथ साथ जैसे गवर्नमेंट कोई भी जब प्रोग्राम लाती है, जैसे मैं बात करूँ कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कोई स्कीम ले आया, या फिर किसी संस्था का नाम चेंज कर दिया, या फिर इसरो ने कोई बहुत बड़ा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जो कि बहुत यूनिक था हमारे लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक और मिलता है, वो कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं वो फुल फॉर्म्स भी पूछते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे कोई इसरो का अगर फुल फॉर्म पूछ ले, या फिर आपसे क्या नाम है इसका
कोई नीति आयोग का सीईओ पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि जैसे सीईओ वगैरह जो अपॉइंट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सीईओ का आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा रात को, जो भी सीईओ अपॉइंट हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड प्राइवेट कंपनियां हो, ठीक है, उनके सीईओ भी आज आपको रात को पीडीएफ मिल जाएगा उनका भी, तो वो एक बार आप वहां से पढ़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, अगर हम बात करते हैं दून की, तो दून का जो एग्जाम है उसके अंदर जीके की अगर हम चर्चा करें, तो जीके की चर्चा में चाहे उत्तराखंड का जो जियोग्राफी रहा वो हमने कल कवर किया था, 69 पेज मैंने उसमें कम कर दिए थे ताकि आप लोगों को ज्यादा पढ़ना ना पड़े, और 69 पेज में भी कुछ पेजेस पे ही पॉइंट किए हुए थे, वो सबने पढ़े होंगे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ऑफकोर्स उन्होंने पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो शायद पढ़ लेंगे आज, ठीक है। अभी सवालों का जवाब देने का समय नहीं है अमित, मैंने पहले कहा था टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो पूछ लेना, क्लास के बीच में एडमिट कार्ड में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम मेरे पास इनका जवाब अभी नहीं है, तो प्लीज कंटिन्यू क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के जो, चाहे आप नोबेल प्राइज की बात करें, ठीक है, नोबेल प्राइज की हम बात करें तो नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे ओके अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे है रीति, ठीक है, यहाँ पे जो लाइक स्टार्टिंग से लेकर और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं आपके जो टॉपिक्स हैं जो कि सीधा सीधा रिलेटेड हैं आपके एग्जाम्स वगैरह से, तो यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली पढ़ लीजिए। मैं आज आपको एक बार सारी चीजें कराऊंगा वापस से, ऐसा नहीं कि मैं कराऊंगा नहीं, भले ही 11:30 बज जाए, लेकिन ये सारी चीजें एक बार मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप अच्छा कर पाए एग्जाम में, और शायद ही ऐसी कोई चीजें जो आपका कोई छूटे, ठीक है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग इस चीज को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो कंट्री नॉर्वे, देखो पहली चीज ये कि स्वीडन से जो थे, इंडिया से रिलेटेड ज्यादा आते हैं नुपुर, अगर हम बात करें आपसे तो इंडिया से रिलेटेड, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट पे हमने बात किया था कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था कि जब क्वेश्चन जो आता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आजकल क्या है कि थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है चीजों को लेके, ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ऐसा पूछे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसरो वगैरह के जो जैसे एक क्वेश्चन पूछा है नीचे खुशी मिश्रा ने कि हु इज सीईओ ऑफ इसरो, तो इसरो के जो डायरेक्टर होते हैं सीईओ नहीं होते हैं, खुशी पहली चीज, ठीक है, और जो इसरो के डायरेक्टर हैं वो उस टाइम कौन है, एस सोमनाथ है, ठीक है, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थोड़े अवार्ड्स को लेके, फटाफट चीजें करेंगे, कहीं भी किसी के मन में संशय होगा तो बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, किसी का मुझे लग रहा है माइक ऑन है, मैं रोज निवेदन करता हूँ, काजल शर्मा आपको 4 बार अनम्यूट कर चुका हूँ, सॉरी म्यूट कर चुका हूँ, लेकिन आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आती है म्यूट करने को लेकर, होपफुली आप अपना माइक म्यूट कर लेंगे, मैं ऑलरेडी आपको 3 से 4 बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो, काजल शर्मा सिर्फ आपका माइक ऑन है। चलिए मैं ही म्यूट करता हूँ, शायद आप अपना मोबाइल ऑन करके खाना खाने में लगे हैं। अब मैं बताता हूँ, जस्ट थोड़ी 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सीओ की पीडीएफ भी भेज दूंगा आज रात को, ठीक है, सीओ का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको।
चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं अवार्ड्स को लेके। अवार्ड्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। देखो आप क्लास कर लो यार, आप पूरा मतलब अपलोड होगा कि नहीं होगा 75 टेंशन, इतने बिजी हो तो फिर क्यों ही तैयारियां करते हो। क्लास में पढ़ने आओ, यहाँ पे चीजें सीख लोगे, रिकॉर्डिंग मुझे भी पता है लोग कितना देखते हैं, आई नो। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज की फटाफट। तो नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज जो है स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हुए थे 1901 में, ठीक है। सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था वर्ल्ड में, 1901 में दिया गया था। और 1901 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति थे, और इन्हीं की याद में स्टार्ट किया गया था। और दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे तो इसके टोटल फील्ड कितने हैं, तो टोटल 6 फील्ड है, 6 फील्ड है, ठीक है, 6 फील्ड्स हैं। इन 6 फील्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं। और ये जो 6 फील्ड हैं ये कौन कौन से, जान लीजिए फटाफट, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जिनको याद है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा मेडिसिन या बायोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका लिटरेचर के अलावा पीस। हो गए टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से फील्ड में अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो कई बार आप देखेंगे मैथ्स लिखा होता है वहां पे, मैथ्स में दिया जाता है कि नहीं, तो मैथ्स में डियर नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज जो आपका है वो 1901 में पहला दिया गया था, किसकी याद में स्टार्ट किया, ये आपका क्लियर हो गया। कितने कैटेगरीज में दिया जाता है ये क्लियर हो गया। आपके क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से बाकी और कहानियां होंगी छोड़ दो, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे पहला नोबेल प्राइज 1913 में मिला था, 1913 में आर एन टैगोर साहब को मिला था। आर एन टैगोर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ, तो क्वेश्चन आता है आर एन टैगोर ने बांग्लादेश बांग्लादेश एंड दूसरा जो पार्ट है आपका इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया और बांग्लादेश इन दोनों का जो नेशनल एंथम है वो इन्होंने कंपोज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है ये इनको 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था किसके लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि इनको लिटरेचर का, और पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे। उसके बाद सी वी रमन साहब को दिया गया 1930 में, 1930 में रमन फैक्ट की खोज के लिए। हर गोबिंद खुराना जो कि मूल भारतीय थे लेकिन बाद में वो यहाँ के नहीं बचे थे, उन्होंने भाई मुझे श्रीलंका का तो नहीं इन्होंने किया था, मेरे इंफॉर्मेशन में तो श्रीलंका में बंगाली नहीं बोली जाती, आई थिंक तमिल बोली जाती है, ठीक है। सो श्रीलंका का तो मैंने नहीं सुना कि इन्होंने नेशनल एंथम लिखा था, अगर लिखा होता तो शायद इतिहास में हम भी पढ़ते, और आपने पढ़ा है तो हमारे लिए नया है, तो आप वो डाटा शेयर कर दें तो हम भी जान जाएं कैसे लिखा था। मैं आपको बता रहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा सी वी रमन के, हर गोविंद खुराना को मिला, लेकिन इसके अलावा जब से और क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है माय डियर मदर टेरेसा का, ठीक है, ईयर याद रखना, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की अगर हम बात करें तो मदर टेरेसा को जो नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल फॉर पीस मिला था, ठीक है, और कब मिला था, 1979 में मिला था, ठीक है। उसके अलावा आखिरी में जो अभी मिला है वो अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में, ठीक है, अभिजीत बनर्जी को इनको 2019 में मिला था, और 2019 में इनको मिला था इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और उसके बाद अभी तक किसी भी इंडियन को नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे, यहाँ से किसी अगर क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिए। फिर और बात करते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा है, एशियाज नोबेल प्राइज, जिसका क्वेश्चन है पूछ लीजिए, अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, एशियाज नोबेल प्राइज कौन सा अवार्ड होता है, सीधा क्वेश्चन यही आता है, इसके अलावा क्राइटेरिया पे बाद में बात करेंगे। तो ये रेमोन मैक्सेसे, ठीक है, रेमोन
मैक्सेसे। सचिन पहला सत्यार्थी को 2014 में मिला था, मैंने लेटेस्ट की बात की 2019 में इनको मिला था। ऑप्शन ए भी आ जाता है, कला सत्यार्थी किसके साथ मिला था, मलाला यूसुफजई के साथ मिला था 2014। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से है और वो वर्तमान में लंदन में रहती है और सबसे कम एज के नोबेल प्राइज विनर है पूरी दुनिया में। तो एशियाज नोबेल प्राइज जो है वो क्या है, रमन मैक्सेसे है। क्वेश्चन यहाँ से केवल एक यही नहीं आता बल्कि एक और आता है, जो रमन मैक्सेसे है कहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ठीक है? तो ये प्रेसिडेंट कहाँ के थे, फिलीपीन के थे, ठीक है? कहाँ के थे, फिलीपीन, फिलीपींस के ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये क्वेश्चन भी आया है एग्जाम्स में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं फटाफट, आपके कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर आपसे ये पूछ ले कि इंडिया में सबसे पहला रमन मैग्सेसे किसको मिला था, तो फर्स्ट रमन मैग्सेसे मिला था इंडिया में विनोबा भावे को, ठीक है? किसको मिला था, विनोबा भावे को। क्लियर है, कोई डाउट? होपफुली नहीं होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़। इसके बाद आपका एक और अवार्ड आता है, वो आता है पुलित्जर अवार्ड, ठीक है? पुलित्जर प्राइज, वैसे वहां पे इतना ज्यादा आएगा नहीं लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। पुलित्जर प्राइज जो है वो रिलेटेड है मोस्टली जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन वगैरह से, ठीक है? म्यूजिक, लिटरेचर, ठीक है, इनसे रिलेटेड है, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और इतना ज्यादा आएगा दुनिया से, ठीक है? एक आपका मैन बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मैन बुकर प्राइज की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मैन बुकर प्राइज जो है ये रिलेटेड है आपका मोस्टली इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, जो कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। और इस साल जो मैन बुकर प्राइज मिला है, आपको पता है किसके लिए, किसके लिए दिया गया है, हमारे इंडिया में दिया गया, गीतांजलि श्री को, जेएनयू के स्टूडेंट थे ये गीतांजलि श्री, और इनको टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया, हिंदी माध्यम, हिंदी में कहें तो रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका जिन्हें मैन बुकर अभी रिसेंटली दिया गया। इसके अलावा दूसरी अगर मैं बात करूँ आपसे, फिर आपका आता है एक क्वेश्चन और आता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की बात करता हूँ मैं, तो ऑस्कर अवार्ड जो आपका है वो है स्टूडेंट्स किससे कनेक्टेड, ऑस्कर अवार्ड आपका जो आता है वो आता है आपका सिनेमा से, ठीक है? सिनेमा से रिलेटेड है, एकेडमी अवार्ड्स या सिनेमा से हमका है, तो उससे रिलेटेड है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आपको तो याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूरा डीप में नहीं आते हैं। एक आपका ग्रैमी अवार्ड आता है, ठीक है? एक आपका जो है वो ग्रैमी अवार्ड आता है। ग्रैमी अवार्ड किससे कनेक्टेड है जानते हो? ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से कनेक्टेड है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्स पे जो कि कनेक्टेड है इससे। हाँ आपको पता है हरनाज संधू से रिलेटेड फैक्ट पता होगा, हरनाज संधू वो मिस यूनिवर्स बनी थी, क्या बनी थी बताओ फटाफट, मिस वर्ल्ड बनी थी या मिस अर्थ बनी थी, क्या बनी थी? तो हरनाज संधू जो है, हरनाज संधू ये क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स, ठीक है? चलिए इसके अलावा कुछ और प्राइज हैं जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। वो आपका आता है कहाँ कहाँ से, एक आपका आता है भारत रत्न, भारत रत्न सबको पता है शायद, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भारत रत्न जो है वो आपका कनेक्टेड होता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, रिसेंटली जो भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी क्या नाम है, प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, ठीक है? और भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये इसके बाद के तीन आते हैं। पहला सबसे हाईएस्ट जो हमारा है वो भारत रत्न है, भारत रत्न के अलावा ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसके अलावा दूसरा जो आता है आपका सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। इसके अलावा दूसरा आता है आपका पद्म भूषण के अलावा तीसरा जो आता है वो आता है पद्मश्री, ठीक है? पद्मश्री, ठीक है? तो ये तीनों अवार्ड जो है ये कनेक्ट, पहला अवार्ड 1954 में दिया गया था,
हुआ, और लेटेस्ट थी अगर 2019 में, ठीक है, और ये एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। फिर आपका आता है डिफेंस से गैलेंट्री अवार्ड, या फिर इनको वैल्यूर अवार्ड भी कहा जा सकता है। तो ये सबसे हाईएस्ट जो मिलिट्री से रिलेटेड है, पहला आता है आपका पीवीसी परमवीर चक्र, लेटेस्ट दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका होता है वो महावीर चक्र आता है, महावीर चक्र, एक आपका होता है वीर चक्र। ये तीनों जो अवार्ड है कब दिए जाते हैं, जब युद्ध की स्थिति में कोई अपना सर्वोत्तम बलिदान देता है। इसका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड भी होते हैं, जिसके अंदर आप अशोक चक्र को पढ़ते हैं, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की मैं बात करूं अगर आपसे, तो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है इसमें कौन सा आता है आपका, अशोक चक्र, अशोक चक्र, ठीक है। इसके अलावा आपका कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र के अलावा एक आपका आता है शौर्य चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। तो ये आपके कौन से हो गए, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड हो गए, ठीक है। तो मोस्टली है, इसके अलावा आपका जनपीठ अवार्ड वगैरह होता है, साहित्य से जुड़े हुए, सिर्फ उनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीधा आपको ले चलता हूँ और दूसरी दुनिया में, एक आपका अवार्ड आता है दादा साहब फाल्के, ठीक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, किससे रिलेटेड है, सिनेमा से रिलेटेड है, ठीक है, इंडियन सिनेमा से। चलिए अब आपके और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ फटाफट, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो है आपका ओलंपिक। आपको देखो बस पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, और जहाँ से और भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, मैं एक बार वीडियो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों तक, तो आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो वीडियो भी मैं आपको एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आता हूँ, ओलंपिक की बात करता हूँ। ओलंपिक सबसे पहले हुआ था 776 BC में, सबसे पहला जो ओलंपिक है वो कब हुआ था, 776 BC में हुआ था। उसके बाद दूसरा मॉडर्न ओलंपिक पहला 1896 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो एक क्वेश्चन और आ सकता है, आईओसी का हेडक्वार्टर, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बता दो फटाफट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंटरनेशनल लुसाने, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, लुसाने में है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका हेडक्वार्टर है आपका लुसाने में, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है कि ओलंपिक जैसे 2020 वाला हुआ जापान में, अगला वाला मैंने आपको बताया 2024 कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। इसके अलावा 2028 यूएस में होगा, 2028 आपका यूएस में होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपने देखा होगा 1 2 3 4 5, ये 5 रिंग देखे होंगे आपने इसके लोगों में, वो 5 रिंग क्या, जो आपके जो ये 5 रिंग जो है ये क्या है, आपके कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले रंग वाइज पूछ ले कि कौन सा रिंग किस, वैसे नहीं पूछा गया मुझसे आपके में, इतना मैंने नहीं देखा है, लेकिन एक कलर वाइज होते हैं, इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है यूट्यूब पे, वो मैं आपको शेयर करूंगा क्लास के बाद, वो एक बार देखिएगा, ब्लू यूरोप को है, येलो एशिया को, उसके अलावा उसके अलावा रेड अमेरिका को, तो ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका फीफा, फीफा वगैरह से रिलेटेड आता है, तो फीफा का
मोस्टली वही जो आपकी बार दोहा में होने वाला है ना, उससे रिलेटेड इसका वो फीफा का फुल फॉर्म। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो? फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो फीफा का ये आपका पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? ब्राजील ने, सॉरी ब्राजील ने कितने टाइम? 5 टाइम्स। इसके बाद सेकंड पे कौन आता है? आपका जर्मनी आता है 4 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है? और अपकमिंग अभी 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी कहाँ पे होने वाला है? दोहा में। और दोहा कहाँ का कैपिटल है? कतर का, ठीक है, कतर का कैपिटल है। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, कुछ और ऐसे आगा खां कप वगैरह पूछ लेता है कि हॉकी से रिलेटेड है किससे, तो आगा खां कप हॉकी हॉकी से रिलेटेड होता है, एक सुल्तान अलजान सा कप होता है, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड आप देखेंगे तो सुल्तान अलजान सा कप, असलम सा भी होता है, अलजान सा कप भी होता है, ये सब हॉकी से रिलेटेड है। ओके, इसका फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक ये पूछ रहा है नीचे, ये फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है बताओ जरा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, फीफा एचपी, ज्यूरिख। मैं नया लिंक आपको उसका भेज रहा हूँ,